बिहारी लाल आर्या जी जो झांसी के नहीं है, उन्होंने नामांकन किया है आज पार्टी को टिकट देके। ये संगठन का गलत निर्णय है और इसके विरोध में हमने आज निर्दलीय नामांकन किया है। दो दिन पहले झांसी की रानी की तरह अपनी झांसी बाहरी को नहीं दूंगी वाला नारा देने वाली किरण वर्मा ने जो कल तक पूरे जोश में भारतीय जनता पार्टी के बाहरी प्रत्याशी का विरोध कर रही थी, वहीं बीती देर शाम सूचना मिली कि उन्होंने भाजपा पार्टी के राजनीतिज्ञों के आगे घुटने टेक दिए हैं और अब वह भी भाजपा प्रत्याशी बिहारी लाल के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगी। दरअसल इसी को राजनीति कहते हैं, जिसमें स्वाभिमान और आत्मसम्मान की कोई कदर नहीं। थोड़ा सा पैसा मिले या थोड़ा सा दबाव आए, दो मिनट नहीं लगते कि विरोध समर्थन में तब्दील हो जाता है। आपको बताते चले कि किस्मत के धनी बिहारी लाल आर भाजपा में शामिल हुए तो उन्हें मोदी लहर का फायदा मिला था और 2017 के चुनाव में मऊरानीपुर के वह विधायक बन गए। इसके बाद 2023 विधानसभा में पार्टी के सर्वे में निकलकर सामने आया कि अगर अब बिहारी लाल को टिकट मिला तो भाजपा अपनी यह सीट गंवा देगी। उस समय बिहारी लाल को टिकट तो नहीं मिला, लेकिन हाँ पार्टी की तरफ से उन्हें आश्वासन जरूर मिल गया था कि आने वाले किसी दूसरे चुनाव में उन्हें देख लिया जाएगा। जब बात झांसी मेयर चुनाव की थी तो बिहारी लाल आर्य ने अपना क्षेत्र रानीपुर छोड़कर झांसी में नेताओं और झांसी में आने वाले मंत्रियों की आवभगत में जुट गए। इसके बाद चुनाव से पहले उन्होंने लाखों रुपए प्रचार प्रसार में खर्च किए। भाजपा नेताओं की आवभगत का फायदा उन्हें यह मिला कि झांसी में टिकट के लिए लाइन में लगे कई काबिल दावेदारों को दरकिनार करते हुए बिहारी लाल आर को टिकट थमा दिया गया। लेकिन फिलहाल भाजपा में आने का फायदा तो इन्हें मिल ही सकता है, लेकिन अभी झांसी की जनता बिहारी लाल आर को लेकर समझ नहीं पा रही कि क्या जीतने के बाद बिहारी झांसी की जनता से मिल पाएंगे या नहीं, क्योंकि यह मऊरानीपुर विधायक थे तब भी इनके क्षेत्र में कई ऐसी खबरें सामने आई थी जिसमें विधानसभा के कई गांव में इनके पोस्टर चिपके थे जिसमें लिखा था कि विधायक लापता है, क्योंकि इनका यह रिकॉर्ड रहा है कि अपने क्षेत्र में बहुत कम नजर आए। हालांकि भाजपा के लोग ना चाहते हुए भी बिहारी के प्रचार प्रसार में जुटे हैं, क्योंकि भाजपाइयों की स्थिति अब उस तरह हो गई है कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, क्योंकि बिहारी का विरोध कार्यकर्ताओं व नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा सकता है। फिलहाल झांसी मेयर का चुनाव बिहारी जीतेंगे या किसी और का पलड़ा भी भारी होगा, यह रुझान बस थोड़े समय में सामने आ जाएंगे। न्यूज़ बीके के लिए झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।